हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज का जो वीडियो है वो दो बहुत इंटरेस्टिंग कंट्रीज के बीच में है, जिनके बीच में कंपैरिजन जो है वो पिछले 70-72 सालों से चलता ही आ रहा है, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये एक कंपेरिजन वीडियो है बिटवीन दीज टू कंट्रीज और इनकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यानी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन दोनों के बीच में क्या मतलब कंपेरिजन है। बेसिकली वैसे कंपैरिजन नहीं है, एक रिएक्शन वीडियो है। एक महिला है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के लोगों से पूछ रही है कि कि दोनों कंट्रीज के जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनमें से क्या क्या अच्छी है, मतलब किसकी ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो अच्छी है, ऐसा ही कुछ इस वीडियो में है। तो पाकिस्तान के लोगों से ही एक पाकिस्तान की महिला पूछ रही है अपने व्यूज दोनों कंट्रीज के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। सो देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं और अपनी पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, सो नाउ अब देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। और इसके टाइटल में जो है लिखा हुआ है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन बाय मायरा भट्ट। ओके, अब शुरू करते हैं वीडियो। 1 2 पाकिस्तान को इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके कुछ ऐसी ऑप्शंस और रेवेन्यूज को एक्सप्लोर करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। एक मिडिल क्लास बंदे को 8 से 10 लाख रुपया जमा करने के लिए उसको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और वो गाड़ी 8 से 10 लाख रुपए की लेगा भी कौन सी मेहरान जिसमें घोड़े लगते हैं आपके आगे। मतलब पिछला बंदा कंफर्टेबल ही नहीं होगा। या तो आप प्रॉपर्टी खरीद लें या पाकिस्तान में कार खरीद लें। किसी को मौत नहीं आ रही, मेहरान में 5 बंदे बढ़ा दो, उसको दरमियान में बढ़ाओ, मर जाएगा। भारत टू बी ऑनेस्टली मैंने उनके साथ काम करके भी देखा है इंटरनेशनल, तो वहाँ की बड़ी छोटी आ रही है, जैसा कि अभी इस भाई ने बोला ना। ओह, सनाम जद, यही YouTube का चैनल का नाम भी है सनाम जद YouTube चैनल पे। और क्या हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है और रोजाना की बुनियाद पर किसी ना किसी वजह से ये हमारी जिंदगी में शामिल हो ही जाता है। फिर चाहे मुझे घर से लिबर्टी मार्केट तक लेकर आना हो या लिबर्टी मार्केट से वापस घर लेकर जाना हो, ये पहिए के बगैर मुमकिन नहीं है। और पहिए की आम मिसाल है गाड़ी, और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी गाड़ियों यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की क्यों ना हो, वो वहाँ की इकॉनमी में एक अहम किरदार अदा करती है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गाड़ी ख़रीदना एक आम इंसान के लिए ख्वाब से कम नहीं है। लेकिन अगर यही ख्वाब आप भारत में देखते हैं तो वहाँ पर आप इस ख्वाब को पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस गाड़ी की कीमत पाकिस्तान में 8 से 10 लाख रुपये है, वही गाड़ी आपको भारत में 2 से 3 लाख रुपये में मिल जाती है। आज हम लोगों से जानेंगे कि वो पाकिस्तान और भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से कितनी नॉलेज रखते हैं और क्या राय रखते हैं, और हम कंपैरिजन करेंगे दोनों ममालिक की इंडस्ट्री का। तो आइए लोगों से जानते हैं। ऐसे मैंने सुना है कि पाकिस्तान में ना, चलो बात बात करेंगे, ठीक है, पहले इनके बीच देख लेते हैं, उसके बाद में अपने बीच होगा, देखते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो क्या सोचते हैं। अच्छा, अच्छा खासा इंट्रो बना रखा है। ऑडियो चेकिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपका नाम? आई एम सबा। सबा, मुझे ये बताइएगा कि अगर कंपैरिजन किया जाए भारत और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो कंपैरेटिवली आप पाकिस्तान को कहाँ देखती हैं? मैं तो ये कहूँगी कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन दिस इंडस्ट्री। इसमें मेजर रीज़न तो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में टैक्सेस आर वे टू हाई। सो टैक्सेस हाई हैं, टैक्स लैब्स इतने ज़्यादा हैं, तो फिर कंपनीज़ को भी अपने ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनकी प्राइस अकॉर्डिंगली सेट करनी पड़ती है। सेकेंडली आई थिंक इंडिया में जो है दिस लोकल प्रोडक्शन, वहाँ वो अपने ऑटोमोबाइल्स को लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेयर इज इन पाकिस्तान ये ऑप्शन नहीं है। सो आई फील कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके कुछ ऐसी ऑप्शंस और रेवेन्यूज को एक्सप्लोर करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, कि इसमें जो है हम इंडिया से जो है कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। आप देखिए कि मीडिया में हम काफ़ी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, एक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, वहाँ जा भी रहे हैं। सो सेम वे जो है हमें कोई इस पर भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, और चूंकि गवर्नमेंट नहीं है, दे क्लेम कि नया पाकिस्तान,
तब्दीली। सो तब्दीली का जो है वो तो यही है कि आप वे फॉरवर्ड्स बनाएं, आप कैसे जो है अपने हमसाया ममालिक से जो है हेल्प ले सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड एनवायरनमेंट फॉर द पीपल हियर। तो आपको इसको जो है ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इट्स काइंड ऑफ अ माफिया, तीन गाड़ियों की कंपनियाँ हैं जिन्होंने जो है जो पूरी मार्केट पर छाई। सो अभी भी आप देखें कि यहाँ तो प्रॉपर्टी खरीद लें या पाकिस्तान में कार खरीद लें, रेट्स अब इतने हाई हो चुके हैं। सो एक कॉमन बंदा, एक जो नॉर्मल सैलरी बेस्ड बंदा है जिसने ऑफिस भी डेली आना जाना है, उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि इवन वो गाड़ी लीज पे भी ले ले। इंडिया में जो है ना आपकी लोकल जो इंडस्ट्री है उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप टाटा का नाम आपने सुना होगा, टाटा जो है आपकी लाइक 50,000 टू 1 लाख में असेंबल हो रही है, लोकल प्रोडक्शन है, इस वजह से उनकी ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है अच्छी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा, लाइक मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ कुछ ना बाहर से हो रही है, असेंबलिंग अब जाके कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होने लगी है, तो इसलिए बहुत बड़ा फ्लॉ है दोनों इंडस्ट्रीज में। उसामा मुझे ये बताइएगा, अगर भारत और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं और भारत को आप कहाँ देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ऑब्वियसली हमारी और उनकी करेंसी में डिफरेंस है कि मतलब उधर का 1 रुपया यहाँ के 2 रुपये डबल करेंसी का डिफरेंस है। लेकिन ये चीज़ है कि पाकिस्तान में जो आपका माफिया है ना, जो आपकी तीन मेजर कंपनीज है, होंडा, सुजुकी और टोयोटा, ठीक है, ये कंपनीज ऐसी हैं कि जो कि आपका अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा के सब कुछ टैक्सेस वगैरह डाल के इतनी हाईली पेड है और इनका कबाड़ है। मतलब गाड़ी हल्की सी 20 से 30 की स्पीड पे हिट होती है और गाड़ी इतनी नुकसान चला जाता है ना, गाड़ी का फेंडर, बोनर, हर चीज़ तबाह हो जाती है। फ़र्क ये है कि क्या गाड़ी 30-30 लाख रुपए की गाड़ी, और 30 लाख रुपए में क्या आ रहा है, एक टीन डब्बा, ठीक है। आप ना तो करोला में किसी में एयरबैग्स हैं, ना टोयोटा में है, ना होंडा सिटी में, होंडा सिटी भी 30 लाख रुपये की है, उसमें भी एयरबैग्स नहीं है, ठीक है। और इसलिए अब आप कंपेयर किया जाए, अगर इंडिया की अब गाड़ी उनकी कोई 660 cc की गाड़ी है ना, उसमें भी आपको 8-8 एयरबैग्स मिलते हैं, ठीक है। और ये होता है कि फर्स्ट करने यहाँ के 30 लाख है ना, वहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस बहुत कम है, हाफ होंगी यहाँ से प्राइजेस, मैंने देखा है हाफ होंगी, चलो हाफ भी लगा लें, लेकिन उसमें आपको एटलीस्ट एक तो चीज़ स्पेयर पार्ट्स अच्छा मिलता है, सस्ता स्पेयर पार्ट है, आपको पार्ट्स जो हैं उसके वो मजबूती होती है, जो उनकी लोहे की चादरें हैं वो अच्छी लगती हैं, वहाँ पर इतनी एक्सीडेंट गाड़ी का नुकसान ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। मेजर होते लाइट टूट जाएगी, बम्पर टूट जाएगा, लेकिन इतना मेजर एक्सीडेंट में नहीं होगा कि यार आपकी गाड़ी हल्की सी टच होने से पूरी आपकी गाड़ी जो है ना फारग हो जाएगी। इन दिस सिचुएशन पाकिस्तान इज लाइक रियली अहेड, बिकॉज एक तो पाकिस्तान खुद कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहा गाड़ियों का, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड, एंड रिलेटिवली फ्रॉम इंडिया जो गाड़ी आप पाकिस्तान में लाइक 10 लाख के हिसाब से ले लेते हैं ना, वही गाड़ी आपको इंडिया में लाइक 2-3 लाख मिल जाएगी। सो लाइक द डिफरेंस इज लाइक इवन दो द कार्स आर बीइंग इंपोर्टेड, इट्स स्टिल रियली एक्सपेंसिव, लाइक कोई आम बंदा नहीं इतना खरीद सकता। और इंडिया में ये हिसाब है कि मतलब जहाँ देखो गाड़ियाँ, जहाँ देखो गाड़ियाँ, सो लाइक कंपेरिजन तो बिल्कुल भी नहीं है ना, बिकॉज लाइक पाकिस्तान वाली आवाम लूट रही है एंड इंडिया इज मोर ऑन द सेफ साइड, इट्स लाइक कीपिंग अ मोनोपोली ओवर एवरीवन। और पाकिस्तान का ये काम है भाई बाहर से मंगवाओ, बेचो, लूटो हम आम को। इस वक्त आप पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और जो हालत है उस पर क्या कहेंगे? गुज़िश्ता 25 साल से हम उनकी एक ही हालत देखते आ रहे हैं और ना वो चेंज हो रही है और ना उसमें कोई चेंजिंग आने की उम्मीद है। उसकी सबसे अहम वजह ये है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशली इन चीज़ पर फोकस नहीं कर रही कि वो इनको किस तरह इम्प्रूव करे। और उसकी अगेंस्ट अगर हम इंपोर्टेड गाड़ी में जाते हैं तो इंपोर्टेड गाड़ी इन्होंने ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव कर दी हैं, उन पर टैक्सेस इतने एक्सपेंसिव कर दी हैं। सपोज़ एक गाड़ी हम अगर 90 लाख की अगर जापान से बाय करते हैं तो उस पर 2 करोड़ रुपया तो टैक्स है, और उसके टैक्स देने के बाद यहाँ पर आके फर्दर हम रजिस्ट्रेशन और दूसरी चीज़ों पर हम टैक्सेस पे करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक होंडा सिटी एक नॉर्मल कार है जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आज भी अगर लेने जाए ना तो वो 6 महीने से लेकर 4 महीने की बुकिंग पे है। और उसकी क्या वजह है कि उनकी एक मोनोपोली है कि 2-3-4 ब्रांड है जो कि आपस में ही तय करके तो उसको मार्केट के अंदर एक ऑन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ना तो गवर्नमेंट इनकी तरफ ध्यान दे रही है और ना ही ये अपनी तरफ इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इंडिया की मार्केट है, अगर आप कंपेरेटिवली अपनी आल्टो को अब कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ प्राइस पे आपको इंडिया से वो गाड़ी मिल जाती है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ये है कि पाकिस्तान में ना जो 2-3 कंपनियां हैं ना, टोयोटा, होंडा, ये ऐसे समझ लें पाकिस्तान से प्रैंक कर रही हैं। उसकी वजह ये है कि यानी कि हमारी, मैंने गाड़ी का रेट पता किया था वीजल का, हमने खुद गाड़ी देनी थी वीजल ना, तो मैंने इलीगल कस्टम गाड़ी हमें मिल रही है 5 लाख रुपये की अफगान बॉर्डर से, और जो हमें मार्क इधर से मिल रही है वो मिल रही है 45 लाख की। कहाँ 5 लाख और कहाँ 45, और खुद अंदाज़ा लगा लें जो हमें 5 लाख की दे रहा है
बाहर से ला के, वो खुद भी तो 25-30-50 हज़ार बचा रहा होगा ना, बचत रख रहा होगा, तो 4 लाख-3 लाख की गाड़ी हमें दे रहे हैं 45 लाख की। आपने भी कंफर्ट जोन की भी बात की, सिक्योरिटी की भी बात की, सेफ्टी की भी बात की, तो मैं भारत का आपको यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूँगी कि 2014 में भारत में मेहरान को इसलिए बंद किया गया था कि मेहरान सेफ नहीं है, आपको भी पता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मेहरान वही गाड़ी 7-8 लाख रुपये में बिक रही है और हाई रेट भी है और इसकी हाई डिमांड भी है। इस पर आपकी आपको क्वेश्चन करने से पहले मेरे माइंड में नहीं था मैं मेहरान को भी जिक्र करूँ, लेकिन मेहरान आप देखें, अब आप ये देखें गाड़ी इंडिया में तो कभी नहीं है। एक मिडिल क्लास बंदे को 8-10 लाख रुपया जमा करने के लिए उसको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और वो गाड़ी 8-10 लाख रुपए की लेगा भी कौन सी मेहरान जिसमें घोड़े लगते हैं आपके आगे, मतलब पिछला बंदा कंफर्टेबल ही नहीं होगा। ठीक है बंदा, आप 4 भी इतने मुश्किल वहां पे बैठोगे कि 5वां बैठो तो मतलब के मौत है, मतलब वो कह लो कि खुदकुशी वाला हिसाब है कि यार किसी को मौत नहीं आ रही, मेहरान में 5 बंदे बैठा दो, उसको दरमियान में बैठाओ मर जाएगा, ये सिस्टम है। उसकी छत आपका सर पे थोड़ा बेचारे किसी का कोई है को 5-8 फुट 9 फुट तो उसका सर पे छत लग रहा हो, सॉरी छत पे सर लग रहा होगा, तो ये चीज़ है। और उसका वही ट्रकों वाला स्टेयरिंग, मतलब एक हाथ से तो उसने मूव होना नहीं है, दोनों हाथों से धार 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 ऐसे करके मूव करना पड़ता है, गेट है ऐसे बांधी थोड़, मतलब क्या है ये चीज़ है, ये चांद पूरा 8-10 लाख रुपए में चांद पूरा। मेहरान तो इटसेल्फ एक वेरी डेंजरस, फॉरेन कंट्री में जाएं तो वहाँ आपको इतने में एयर बैग्स आपको गाड़ी मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान में आपको देखिए कोई भी अगर आप 20 लाख से भी गाड़ी ले रहे हैं ना तो उसमें भी एयर बैग्स नहीं है, उसमें सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है, ऑटो जैसी है, पर मेहरान के ज्यादा इश्यूज हैं तो उसको बंद हो जाना चाहिए। जो हमारी एक मिडिल क्लास मीडियोकर्स हैं वो इसी मेहरान को अफोर्ड कर सकते हैं, और मोस्टली लोगों के पास मेहरान ही है, तो मैं तो मेरे अकॉर्डिंगली तो इसको यहाँ पे बैन होना चाहिए, इसमें वो एडवांसमेंट लेके आए, चेंजेस लेके आए, डिफरेंट चीजें इसमें लेके आए ताकि लोगों की सेफ्टी के लिए काम कर सकें। वो यकीन करें आप उस गाड़ी पे आप 40-50 किलोमीटर से ज्यादा सफर भी नहीं कर सकते, आपको चुक पड़ जाती है उसमें, ऐसी इतनी वो मतलब खराब गाड़ी है, वो मैरुती में इंडिया में मैरुती कहते हैं उसको, और इधर मेहरान कहते हैं, वो इतनी इतनी ज्यादा थर्ड क्लास गाड़ी है और वो 14-15-16 लाख की गाड़ी आ रही है, ये कोई चुक बनता है। और अब ये जो नई वैगन आ रही है इसको आप देख लें, इसकी 0% इसकी सेफ्टी है और कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, जो थोड़ी बहुत बड़ी गाड़ियाँ कंफर्टेबल हैं वो एक मीडियाकर बंदे की अप्रोच से भी ऊपर हैं। मैम आप भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सक्सेस पर क्या कहेंगी, कि वहाँ पर एक तो गाड़ियों की कीमतें भी बहुत कम है, टैक्स रेट भी उनका बहुत कम है, लोकल प्रोडक्शन भी है, और वो बाहर की कंट्रीज में अपने प्रोड्यूस की भी गाड़ियों को भेज भी रहे हैं। सो देखिए भारत का अगर आप इंडिया का ले लें तो इंडिया तो आईटी सेक्टर में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, वी आर वे टू बिहाइंड ना। सो उनका एक सक्सेस फैक्टर ही मुझे ये नज़र आता है कि उनकी वहाँ पे लोकल प्रोडक्शन है। आप मेडिसिन का सेक्टर पकड़ लें, आपको मेडिसिन इंडिया में बहुत चीप मिलेंगी, वेयर एज आप पाकिस्तान से कंपेरिजन कर लें यहाँ पर जो है प्राइसेज आर टू हाई, और सेम गोज़ फॉर ऑटोमोबाइल। और ऐसा नहीं है कि अभी उनकी प्राइसेस कम है, उनकी प्राइसेस शुरू से ही एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान लोअर साइड पे हैं, तो दैट इज़ समथिंग रियली ग्रेट जो कि इंडिया में है, वहाँ पे आप देखें हर कोई कार अफोर्ड करता है, वेयर एज आप पाकिस्तान में देख लें अब लोग क्या ये जो दो कंपनीज आ गई हैं ऊबर एंड कैब, लोग इन पे स्विच कर रहे हैं क्योंकि जिनके पास गाड़ी नहीं उन्होंने तो करना है। हर कंट्री कोई भी कंट्री है तो अपनी मैनुफैक्चरिंग कर रहा है, आपका पाकिस्तान ऐसा है कि हम ये कह देंगे कि यार हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, जोड़ के आप दे दो पैसे रख लो, ये चीज़ है। हम लोग मतलब हर चीज़ हमारे मुल्क में तैयार हो रही है, स्टील मिलें हमारे में है, हर चीज़ मतलब हम उसको तैयार करके, लेकिन क्या जोड़ने वाली चीज़ें फैक्ट्रियाँ बाहर लगाई हुई हैं, क्या वो अपने पाकिस्तान में लगा सकते, जो आप टैक्सेस वहाँ अब वो तैयार करके जो वापस आएगी उस पर टैक्स लगेगा, क्या वो टैक्स बचेगा? इस वक्त क्या कहेंगी कि भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो उनकी जो सक्सेस है उस पर आप क्या कहेंगी? अच्छा they're earning a lot, no wonder India's like a really rich area. The thing is ke Pakistan hai advanced hamara, but like if we compare it with India I think it's far more like two steps ahead, electricity mein, technology mein, in every single thing they're really advanced, so it's like a plus point for them. और इस काम में पाकिस्तान ना थोड़ा सा पीछे रह गए भारत to be honestly मैंने उनके साथ काम करके भी देखा है इंटरनेशनल मार्केट में, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन और उनका माइंड 100% बिजनेस की तरफ है, और उनका खाली उनका माइंड नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है एज ए इंडस्ट्री, तो हमें भी चाहिए कि हम पूरी दुनिया में जो जो आना चाहता है पाकिस्तान में तो वो आए और अपना सारा अपना सेटअप यहाँ पर लगाएँ ताकि लोगों को मज़ीद ब्रांड्स मिलें और लोग
सस्ते की तरफ जाएं। मैं तो कह रहा हूँ लोकल आपको प्रोडक्शन अपनी इंप्रूव करनी है। अगर आप अपनी लोकल प्रोडक्शन इंप्रूव करेंगे जो ऑलरेडी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको खुद ब खुद अपनी जो प्राइस है उनको नीचे लेके आना पड़ेगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो जब आपके पास लोकल जो इंडस्ट्री आपकी अगर पावरफुल हो तो वो अपनी जो है आपको इलास्टिसिटी दिखाती है कम करने में। जो आपकी बिग फोर है उनकी ये मोनोपोली हुई हुई है। अगर आपको मोनोपोली खत्म करनी है तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जाके ना, फिर ताकि मोनोपोली खत्म हो। और अब जाके चाइनीज ब्रांड आने लगे हैं कुछ तो कंपटीशन ज़्यादा हमारा थोड़ा ठीक हो रहा है। तो अगर हम गवर्नमेंट मतलब प्रमोट करेगी लोकल इंडस्ट्री को तो डेफिनेटली ऑटो लोन सेक्टर जो है आपका ऑटो सेक्टर सॉरी वो इम्प्रूव हो सकता है। भाई भारत जो है वो एक हमसे बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, उसकी एक दुनिया में वैल्यू है ऊपर ऊपर से, और दूसरे वो रियलिस्टिक है हमसे बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो हमारी तरह ये नहीं है जी हमने पाकिस्तान ने ये कर दिया पाकिस्तान ने वो कर दिया, होता कुछ भी नहीं है। रियलिस्टिक नहीं है हमारे लोग, जब रियलिस्टिक नहीं होंगे तो क्या ये यहाँ पे इनकलाब आएगा और कुछ होगा। वो हमारे कंपेयर करें तो हर चीज़ से आगे हैं, सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं आईटी में हर चीज़ में हमसे वो 1000 times बेहतर हैं। सर इमरान खान साहब ने ये बोला है कि आने वाले कुछ सालों में वो यहाँ पर मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं वो मुतारिफ करवाएंगे जो जिनको चार्ज किया जाएगा तो पेट्रोल का ख़र्चा बच जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उस खर्चे को बचाने से बेहतर ये नहीं है कि अभी जो गाड़ियों पर टैक्स लग रहा है उसको कम किया जाए? डेफिनेटली टैक्स तो कम होना चाहिए, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, लाइक जो अच्छा इनिशिएटिव है हमें इसे करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए डेफिनेटली। बट अब इस टाइम इशू ये है कि गवर्नमेंट अगर वो जी ऑटो आपकी इंडस्ट्री जो है वो कहती है जी डॉलर की प्राइस बढ़ रही है तो हम प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं एक साल हो गया डॉलर की प्राइस तो स्टेबल है। अब मार्केट फैक्टर्स कौन थे जिनकी वजह से प्राइस बढ़ रही है? तो आपकी वो वाली बॉडी होनी चाहिए कि जो बिग फोर को थोड़ा कंट्रोल करे और एक सेट करे, एक मतलब स्टैंडर्ड सेट करे कि आपको इससे ऊपर नहीं जाना। सर पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी तो मैं चाहूँगा कि ये एक्सपेंड हो प्रोग्रेस करे, लेकिन ड्यू टू करंट कंडीशंस मुझे लग रहा है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। हम लोग इस पर फोकस करना चाहिए कि अदर कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजीज हैं और हमारी क्या स्ट्रेटजीज हैं, जो गैप दोनों के दरमियान में आ रहा है ना हमें उसको फुलफिल करना है। आज हमने भारत और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन किया। पाकिस्तानी अवाम का यही कहना था कि भारत की तरह पाकिस्तान में भी लोकल प्रोडक्शन होनी चाहिए ताकि भारत की तरह पाकिस्तान में भी हर इंसान गाड़ी अफोर्ड कर सके। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई, पूरी वीडियो देख के तो मुझे थोड़ा प्राउड सा फील हो रहा है कि मैं इंडिया में हूँ। ठीक है, वैसे भी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी सही है, हमारे पास अपने ब्रांड्स हैं, टाटा है जो टाटा के भी अपने हैं, क्या नाम है वो बड़ा फेम, अरे वो जगुआर, जगुआर भी तो इंडियन ब्रांड है। सो हमारे पास अपने ब्रांड है और अब तो टेस्ला भी इंडिया में आ रही है। ठीक है, बेंगलुरु में उन्होंने अपने जो है मैनुफैक्चरिंग वगैरह शुरू कर दी आई थिंक, तो अब टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भी वो भी इंडिया में आ रही है और मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी इंडिया में जल्दी आपको रोड पे दिखेंगी। वैसे भी आई थिंक एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट का आया था कि 2023 तक जितनी भी टैक्सीज हैं वो या फिर सीएनजी पे चलेंगी या फिर जो मतलब बैटरी पे चलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक कार्स होंगी या फिर सीएनजी पे चलेंगी ताकि कि पॉल्यूशन कम हो। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है अपनी जो ट्रांसपोर्ट है उसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक पे, तो उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो हमें पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा, गल्फ कंट्रीज़ पे हमारी डिपेंडेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगी, अभी हमारी डिपेंडेंस बहुत है। ठीक है, एक तरह से है कि वो वहाँ पर अगर प्राइस चेंज होते हैं तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, यहाँ पर पेट्रोल के रेट ऊपर नीचे होते हैं, फिर से जो पॉलिटिक्स भी बहुत होती है कि भाई प्राइस इतने क्यों जा रहे हैं वो फलाना धमकाना, आपने आप सुनते ही होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कार्स इंडिया में आती हैं तो जो कि आएंगी आएंगी, टेस्ला आ गई है और टाटा भी है जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार्स निकाल रहा है और भी कुछ कंपनीज हैं, तो आने वाले कुछ सालों में इंडिया में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्स ही जो मेजॉरिटी में होंगी। और अब तो आई थिंक टाटा का ही टाटा के पता नहीं अशोक लेलैंड जो कंपनी है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रक भी निकाल रहे हैं, तो आगे जाके आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही मिलेंगे।
तो उससे हमें उससे है हमारे इन्वायरमेंट को वो फ़ायदा होगा और हमें डिप्लोमेटिकली भी जो है वो फ़ायदा होगा, हमारी डिपेंडेंस जो है गल्फ कंट्रीज़ पे जो है बहुत कम हो जाएगी। ओवरऑल सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और बाकी मुझे ये जान के खुशी हुई, लिटरली खुशी हुई कि जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने भी अपने व्यूज़ दिए इस वीडियो में, सबके सब बहुत अवेयर थे। ठीक है, कोई भी ऐसे भी नहीं जी रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई भी अपने ना जो अपनी कंट्री की जो हालत है, जो फैक्ट है, उनको मतलब उनको ऐसे इंकार नहीं कर रहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारी भी इंडस्ट्री बहुत वो है ये है। सबको अपने बारे में जो है पता है कि नहीं हमारे कंट्रीज की क्या खामी है, और ये अच्छी बात है क्योंकि जब तक उन्हें पता ही नहीं होगा वो एक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो पता होना बहुत जरूरी बात है, तो लोग वहाँ के बहुत अवेयर हैं, ये जान के अच्छा लगा मुझे। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हमारा हमारा जो पड़ोसी है अगर वो थोड़ा खुश रहेगा तो हम भी थोड़े खुश रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्योंकि जब वो परेशान रहेगा तो किसी ना किसी तरह से हमारे लिए भी जो है प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, ऐसा होता ही है। तो अगर वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, आई होप वहाँ की गवर्नमेंट भी हो जाए और कुछ अच्छे स्टेप्स ले ताकि वहाँ की भी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो वो भी मतलब अच्छे से फ्लरिश करे। और जैसा कि वीडियो में था बोला कि वहाँ तीन कंपनीज के मोनोपोली है, होंडा सुजुकी और टोयोटो, तो बहुत लोगों ने जो है यही बोला, आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर ये तीन कंपनीज जो है आपस में पूरा माफिया रूल सेट करती हैं, और गाड़ियाँ लिटरली बहुत महंगी है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा महंगी है। और वो जो मेहरान है जो ऑल्टो ऐसी है वो इंडिया में कब आई थी भाई, मुझे तो नहीं पता, और उसकी बहुत बुराई कर रही है कि वो छोटी गाड़ी है। ऑल्टो में मैं बैठा हूँ, हमारे यहाँ की जो ऑल्टो होती है वो इतनी छोटी तो नहीं है, बंदा ठीक से बैठ लेता है और ठीक गाड़ी है। ठीक है, मतलब सेफ्टी फीचर उसमें भी कुछ खास नहीं है पर ठीक है। और इंडिया में भी लोग अब आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, कि इंडिया में कार्स बहुत लोग अफोर्ड कर रहे हैं, अब कार बहुत अफोर्डेबल हो गई है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ले लेते हैं, इंडिया इंडियन लोगों का स्टैंडर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सो ओवरऑल वीडियो बहुत सही थी, पाकिस्तानियों के व्यूज़ मुझे अच्छे लगे कि उनको अपने बारे में पता है कि उनकी क्या खामियां हैं, और उन्होंने जो मतलब जो अपने वो दिए जो अपने व्यूज़ दिए कि लोकल प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा कंपटीशन होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा कंपनीज़ को जो है फॉरेन से उनको इनवाइट करना चाहिए अपने देश में, ताकि ये जो माफिया रूल है टोयोटो सुजुकी और होंडा का ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन से ना हम जैसे कंज्यूमर्स को ही फ़ायदा होता है, कंपटीशन रहेगा तो रेट्स से कंट्रोल रहते हैं, वरना अगर किसी भी एक कंपनी की मोनोपोली होगी तो वो अपनी मर्जी से रेट जो है वो डिसाइड करते हैं। तो चाइनीज़ कंपनीज जो है पाकिस्तान में आ रही हैं, ये मतलब उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि वो आएंगी तो ऑटोमेटिकली थोड़ा कस्टमर्स को ऑप्शन मिलेगी। पर मैं तो कहूँगा कि चाइनीज़ के अलावा वहाँ पर जो कि पाकिस्तान की फ्रेंडली कंपनीज हैं, जैसे कि सॉरी पाकिस्तान की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे कि तुर्की है और मलेशिया है, वहाँ की कई कंपनीज को भी उनको जो है बुलाना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का कुछ मतलब क्वालिटी के बारे में कुछ कह सकते हैं। ठीक है, वैसे अच्छे भी होते हैं, इंडिया में चाइनीज़ फ़ोन बहुत ज़्यादा बिकते हैं, मैंने कभी कोई चाइनीज़ फ़ोन यूज़ नहीं किया पर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के पास हैं, तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे प्रोडक्ट उनके बेकार हैं, पर मतलब चाइना कहने का मतलब है कि चाइना पे उनको पूरी तरह डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको और कंट्रीज में जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको भी जो बुलाना चाहिए उनको, ताकि एक हेल्दी सा इन्वायरमेंट जो है बना रहे, वरना आगे जाके मालूम पड़ा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत कम होते हैं तो टोयोटो वगैरह तो मतलब हट जाएंगे, और मालूम पड़ेगा कि कुछ साल के बाद चाइनीज़ कंपनी की मोनोपोली होगी, तो बात सारी वहीं पर ही मतलब आ जाएगी। तो किसी की मोनोपोली वहाँ पर नहीं होने देनी चाहिए, इसलिए बाकी कंट्रीज़ को मतलब बाकी कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चरिंग को भी वहाँ पर लेके आना चाहिए, ताकि किसी की मोनोपोली ना हो। ठीक है, तो ही वहाँ की इंडस्ट्री जो है फ्लरिश कर पाएगी। बाकी गवर्नमेंट को भी थोड़ा जो है सपोर्ट करना चाहिए, टैक्स वगैरह कम कर दो जो भी है, और
टैक्सेस इंडिया में भी अच्छे खासे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, बहुत बहुत कंपनीज ने जो है गवर्नमेंट को कंप्लेन करी है। सो टैक्सेस थोड़े से कम तो इंडिया में भी करने चाहिए ताकि और ज़्यादा फ्लरिश करे हमारी ऑटोमोबाइल जो है इंडस्ट्री। बाकी अभी जो बजट आया वो तो पूरा जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को जो है ऐसे ऑक्सीजन दिया उन्होंने गवर्नमेंट ने, बजट जो है वो बिल्कुल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फ्रेंडली है। तो देखिए आगे जाके जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी अगर अगर सब कुछ जैसा ही रहा। सो ये मेरे व्यूज थे, अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैंने बहुत लंबा छोटा भाषण दे दिया। सो बाकी आप बताइएगा आपको अपने व्यूज कैसे लगे, आपके व्यूज क्या है इस वीडियो के बारे में। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।